ज्ञानवापी मामले से जुड़े जूते का रैक हटाने के मामले में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलने की याचिका दायर करने वाली किरण सिंह ने ही ये याचिका भी दायर की है। याचिकाकर्ता किरण सिंह की अर्जी में जिक्र है कि उन्हें जानकारी की लोहे के जूते के रैक को मुस्लिम पक्षकार अंदर विवादित परिसर में ले गए, जबकि नियम के मुताबिक विवादित परिसर में कोई भी नया सामान या फिर किसी भी जगह पर छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में वहां से जूते के रैक को बाहर निकालने की याचिका दायर की। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, आज वाराणसी जिला कोर्ट में इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है, और क्या जानकारी है जूते के रैक को हटाने के मामले में? देखिए, जिला जज के कोर्ट में आज वाराणसी में एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा है कि उनको जानकारी मिली है कि जूते का रैक जो है ज्ञानवापी परिसर में अंदर ले जाया गया है, जबकि कोर्ट में का आदेश है कि विवादित परिसर में ना ही कोई नया सामान कुछ अंदर ले जाया जा सकता है, ना ही अंदर तोड़फोड़ की जा सकती है, ना ही नया कंस्ट्रक्शन कोई हो सकता है। तो ऐसे में जो जूते का रैक अंदर गया है उसे बाहर निकाला जाए, और इसी मामले पर आज जिला जज कोर्ट में सुनवाई है। जी ठीक है अमित, शुक्रिया आपका। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पार्टियों में सांपों का जहर मंगवाने के मामले में एल्विश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एल्विश यादव को पुलिस ने नोएडा की एक पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने न सिर्फ गुनाह कबूला बल्कि इस पूरे रैकेट के बारे में कई तरह की जानकारियां दी। सूत्रों ने बताया कि एल्विश यादव ने ये माना कि पार्टियों के दौरान वो नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में एल्विश ने ये भी बताया कि वो नवंबर में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपियों के संपर्क में थे। कुछ महीने पहले एल्विश यादव का एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में वो एक पार्टी में अपने गले में जहरीले सांप लपेट कर झूमते दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पिछले साल 4 नवंबर को पुलिस ने नोएडा से 4 सपेरों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, और 8 नवंबर को एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की थी। पिछले महीने 15 फरवरी को जांच रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद एक रोज पहले एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया था। अदालत ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सूत्रों ने बताया कि एल्विश यादव पर कानून की जो धाराएं लगाई गई उनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 1, 2 या 5 साल की सजा नहीं होगी, बल्कि 20 साल तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। मतलब यह कि पार्टियों में नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने वाले एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ नशीला पदार्थ सप्लाई करने पर लगने वाली धाराओं के साथ जंगली जीवों पर अत्याचार पर लगने वाली गंभीर धाराएं लगा दी। एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस एक्ट के तहत जहरीले सांपों समेत 43 जंगली जीवों को शामिल किया गया, और इन जंगली जीवों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले या उन पर अत्याचार करने वालों के लिए 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान